तो काफी लंबे इंतजार के बाद अथॉरिटीज से क्लियरेंस मिल गई है व्हाट्सएप को, और क्लियरेंस मिली है पेमेंट्स के लिए। तो व्हाट्सएप को अगर आप यूज करते हो तो अब आप पैसे भेज भी पाओगे और रिसीव भी कर पाओगे वाइल यूजिंग व्हाट्सएप, बिना किसी और ऐप को यूज करे हुए। यू कैन डू दिस ऑन व्हाट्सएप। कैसे यूज करना है, कितने तरीकों से पैसे आप भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो, कैसे इसको एक्टिवेट करना है, वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट व्हाट्सएप पेमेंट्स। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि कैसे व्हाट्सएप पेमेंट्स को आप सेटअप कर सकते हो। जिस नंबर से आप व्हाट्सएप को यूज करते हो, वो नंबर अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो वही बैंक अकाउंट आप व्हाट्सएप पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। दैट्स नंबर वन। सेटअप के लिए क्या है कि जो अटैच बटन होता है आपका व्हाट्सएप पे, आप उस पे जाओ और उस पे जाने के बाद आप पेमेंट्स के ऑप्शन को चूज करो। जैसे ही आप पेमेंट्स के ऑप्शन को चूज करोगे, क्योंकि आपको अपना बैंक अकाउंट इससे लिंक करना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जहां पे आप ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स को प्रेस कर सकते हो। एंड इससे आप जो भी अकाउंट आपका लिंक्ड है इस नंबर के साथ जिसको आप व्हाट्सएप पे यूज कर रहे हो, उसके डिटेल्स आप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपको अपने कार्ड डिटेल्स जो है वो एंटर करने हो, और कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद एक पर्सनल यूपीआई पिन आपको सेटअप करना होगा। इस पिन को आप भूलना मत, बिकॉज यही पिन आपको हर बार काम आएगा जब आपको कोई पेमेंट भेजनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने अगर पैसे भेजने या किसी को पेमेंट करनी है तो वो कैसे होगा। ये एसेंशियली तीन तरीकों से होगा। सबसे पहला तरीका यह है कि कोई और व्हाट्सएप यूजर है जो आपके लिस्ट में हो, तो उसको आप डायरेक्टली चैट विंडो पे ही जाके पैसे भेज सकते हो। दूसरा तरीका है किसी का यूपीआई आईडी जो है उसमें एंटर करके आप पैसे भेज सकते हो, और तीसरा तरीका है QR कोड को स्कैन करके। तो इन तीनों तरीकों को आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपने ही किसी कॉन्टैक्ट को, जो आप जिसके साथ चैट भी कर सकते हो, जो आपके ऑलरेडी फोन की लिस्ट में है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, उसको अगर आपने पैसे भेजने हैं तो आप उसकी चैट विंडो को खोलो, मोर ऑप्शंस पे जाओ और वहां पे पेमेंट्स पे प्रेस करो। पेमेंट्स पे जाने के बाद आप जो पेमेंट अमाउंट है, कुछ भी अगर जो भी रकम आपने भेजनी है, उसको आप एंटर कर दो और सेंड का ऑप्शन आप प्रेस कर दो। इसके बाद आपको अपना UPI पिन डालना होगा, जो मैंने अभी आपको कहा था। UPI पिन आपको हमेशा अपना याद रखना पड़ेगा। UPI पिन डालने के बाद ही पेमेंट जो है वो ऑथराइज होगी आपके बैंक से। एक बार आपने UPI पिन डाल दिया, अपने आप जो रकम है वो दूसरे यूजर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, और आपके चैट विंडो में ही आपको एक अपडेट आ जाएगा उस अमाउंट के साथ कि इतना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है। अब नेक्स्ट, मान लो आपने किसी के UPI आईडी पे पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसी तरीके से आप अपने व्हाट्सएप पे जाओ, मोर ऑप्शंस पे जाओ, पेमेंट्स पे जाओ। पेमेंट्स पे जाने के बाद आपके पास न्यू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सबसे ऊपर सेंड टू अ UPI आईडी। उस पे आप प्रेस करो, और जो UPI आईडी है रेसिपिएंट का, जिसको भी आपने पैसे भेजने, आप वो पूरा UPI आईडी उसमें एंटर कर दीजिए। बस उसके बाद आपने अमाउंट डालना है जो आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, अपना UPI पिन डालना है उस अमाउंट को ऑथराइज करने के लिए, और उसके बाद आपकी पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली उसी UPI आईडी के यूजर के पास पहुंच जाएगी। एंड फाइनली जो तीसरा तरीका है वो है QR कोड। जैसे आप किसी शॉप पे चले गए हो, कहीं पे भी है, वहां पे QR कोड बना हुआ है, तो उसके लिए अगेन आप अपने WhatsApp पे मोर ऑप्शंस पे जाओ, पेमेंट्स पे जाओ, न्यू पेमेंट पे जाओ, और वहां पे स्कैन अ QR कोड जो है उसको आप प्रेस करो। ऑटोमेटिकली आपके कैमरा को एक्सेस करेगा जहां से आपने QR कोड को स्कैन करना है, उसके बाद आपने अमाउंट डालना है जो आपने पेमेंट करनी है, UPI पिन डालना है उसको पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए, एंड योर पेमेंट विल बी मेड। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके WhatsApp पे ही अब आपके पास अवेलेबल होंगी थ्रू WhatsApp पेमेंट्स, और अब WhatsApp पेमेंट्स जो है वो सबके लिए अवेलेबल है टू यूज इन इंडिया।